चकाई विधानसभा से लोजपा प्रत्याशी संजय मंडल ने सोनो प्रखंड के दर्जनों गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। वहीं इस क्रम में वे जनता जनार्दन के पास जाकर अपने पक्ष में मत की अपील की। उनके जनसंपर्क कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में बाइक रैली भी निकाली गई थी। इस दौरान उनसे संवाददाता राम झा ने खास बातचीत की। चकाई विधानसभा से लोजपा प्रत्याशी संजय मंडल जी लगातार नॉमिनेशन के बाद से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और इसी क्रम में अभी पहुंचे हैं सोनो प्रखंड में। बात करेंगे इनसे कि आज सुबह से किन किन गांव का दौरा कर चुके हैं, अब तक कहां कहां दौरा हो चुका है आपका। सबसे पहले धन्यवाद। मैं डुमरी सोनो होते हुए तरोन कैरी महसरी रजौन थम्भन चाकार और गट्टान इत्यादि क्षेत्रों में हम लोग आज भ्रमण दौरा कर। क्या जनता का रुझान कैसा मिल रहा है आपके प्रति, क्या है रुझान? जनता का रुझान बिल्कुल अनहोनी होने वाला है, जो कि आप लोग सब जानते हैं कि चकाई की जनता जो यहाँ जो दो परिवार के बीच जो चल रहा है उसे उब चुकी है और चकाई की जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन की मूड बना चुकी है। आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोगों से जब बातचीत कर रहे हैं तो उनसे क्या वादा कर रहे हैं, क्या उनको अपने तरफ से ये दे रहे हैं? देखिए, यहाँ जो दो नेता हुआ करते हैं, आप लोग सुने भी होंगे, कोई चकाई का बेटा बोलते हैं तो कोई चकाई की माता है, और उनका विकास सब लोग देख चुके हैं। मैं चकाई का ना तो नेता हूँ और ना माता हूँ। मैं चकाई में एक सेवक के रूप में सेवा करना चाहता हूँ, मैं चकाई का सेवक बनना चाहता हूँ, और जो जितने भी कार्यकर्ता हैं मेरे साथी हैं वो मेरे भगवान हैं, और उन्हीं के सहयोग से आज पूरी लोक जनशक्ति पार्टी के जितने साथी हैं वो लोगों का इतना हुजूम, इतना जनसैलाब आपके साथ, आखिर इसका क्या राज है जी? लोगों का इतना हुजूम, जनसैलाब, क्या राज है इसका? कोई राज नहीं है, परिवर्तन। इसमें सभी जाति धर्म के लोग एक मुस्त होकर, हमारे जो नेता हैं आदरणीय चिराग पासवान जी, जो पूरे जमात को लेकर चल रहे हैं, और उनका जो विजन है आप लोग जानते हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उनके संदेशों को हम लोग सारे साथी घर घर तक पहुंचा रहे हैं। और इस बार चकाई विधानसभा में और चकाई विधानसभा की जनता जो करने जा रही है वो निर्णय ले चुके। क्या अपील, अंतिम अपील क्या करेंगे विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से? मैं यही अपील करूंगा कि मुझे इस बार सभी मतदाता मालिक आशीर्वाद दें, और जो चकाई में बहुत से समस्याएं हैं, जैसे कि चकाई को अनुमंडल बनाना, चकाई में स्टेडियम का निर्माण कराना, सोनहो में बहुत बड़ा बरनाज जलाशय योजना जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी उसमें सार्थक प्रयास कर रहे हैं, और चकाई सोनो में भी स्टेडियम का निर्माण करवाना, इत्यादि बहुत से कार्य हैं। और हमारे चकाई विधानसभा में गरीबी बहुत ज़्यादा है और यहाँ संसाधनों की कमी नहीं है। यदि यहाँ कल कारखाना, हमारे सांसद जी भी उद्योग सीमेंट फैक्ट्री लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं पूरा, अगर मैं यहाँ की जनता मुझे विधानसभा भेजती है तो हम सांसद जी को पूरा सहयोग करेंगे ताकि हमारे विधानसभा में एक फैक्ट्री लगे, और जो हमारे मजदूर अदर स्टेट में जाकर पलायन कर रहे हैं, वहाँ जाके कमा रहे हैं, वो स्वतः हमारे विधानसभा में कमाए और यहाँ हम लोग साथ रह के उनका चिंताएँ। औद्योगिक क्षेत्र के रूप में चकाई को विकसित करना चाह रहे हैं, चकाई को अनुमंडल बनाने, बहुत सारी योजनाएं इनके दिमाग में हैं। अगर जनता इन पर भरोसा जताती है और 28 तारीख को अपने मत से इनको जिताकर विधानसभा भेजती है तो चकाई में एक नई विकास की रेखा ये खींचेंगे, जैसा इनका मानना है। सहयोगी जय किशन के साथ राम झा, अजय भारत, सोनू प्रखंड।